सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल एजुकेशन की और स्ट्रेस काउंसलर की। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारतीय किसी भी राज्य के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो ये फॉर्म 24/9/2018 से लेके 23/10/2018 तक भरे जाएंगे और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और आपको वेबसाइट के थ्रू ही आवेदन करना होगा। पे स्केल की हम बात करें तो पे लेवल 4 में है, यानी 25,500 से 81,000 वाले ग्रेड में सातवें वेतन आयोग के अनुसार। साथियों अदर अलाउंसेज हैं TA DA HRA, वो सब आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर मेल की वैकेंसी 62 है, इसमें सामान्य की 32, SC की 9, 4 ST की, 17 OBC की। और वहीं फीमेल की जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की वो 11 है, इसमें 5 सामान्य की, 2 SC की, 1 ST की, 3 OBC की। टोटल 73 वैकेंसी है और ये वैकेंसी बाद में बढ़ाई भी जा सकती हैं। साथ ही इसमें से 10% जो कोटा है वो एक्सेसमैन के लिए रिजर्व है और PH कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए अप्लाई न करें क्योंकि वो आवेदन के पात्र नहीं है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। एज मिनिमम है 20 साल और मैक्सिमम है 25 साल। जो योग्यता मांगी गई है शैक्षिक योग्यता, वो इस प्रकार है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में एज ए सब्जेक्ट, यानी आपने स्नातक जब किया हो तो उसमें साइकोलॉजी हो, या फिर अगर आपने BEd कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी या तो आप डिग्री रखते हो साइकोलॉजी में, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री है और साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम कट ऑफ डेट की। तो कट ऑफ डेट है 23/10/2018, यानी आपका जन्म 24/10/1993 से पहले और 23/10/1998 के बाद में नहीं हुआ होना चाहिए। SST OBC और एक्सेसमैन को रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल दिया जाएगा। साथ ही कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगी जो उनके 10th के सर्टिफिकेट में है। और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट 23/10/2018 को 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो रिलैक्सेशन SST को 5 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा, OBC और एक्सेसमैन को 3 साल का मिलेगा उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। साथ ही चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए बिना फुलाई 80, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, साथ ही सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होगी बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। जो ST कैंडिडेट्स हैं साथ ही मिजो और नागा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 154 सेंटीमीटर। चेस्ट 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। बात करें हम वेट की, तो वेट आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ ही चेस्ट मेजरमेंट फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो आई साइट की अगर हम बात करें तो आपकी बेटर आई होनी चाहिए N6 और वर्स आई होनी चाहिए N9 नियर विजन में। वहीं अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी डिस्टेंस विजन भी 6x6 होनी चाहिए बेटर आई और 6x9 होनी चाहिए वर्स आई। विजुअल करेक्शन किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप पात्र नहीं है। कलर विजन टेस्ट जो होगा वो CP3 पर होगा, इशिहारा पर। और बैटरा या वर्स आई का हम बता देते हैं कि आप जिस हाथ से काम करते हैं आपकी वो आंख अच्छी होनी चाहिए, 6x6 होनी चाहिए, जो दूसरी है वो 6x9 तक चल जाएगी। साथ ही बायनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट्स के नॉक नी, फ्लैट फुट, वर्कोज विंस और स्क्रूटिनाइज यानी आंखों में बैंगापन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म 24/9/2018 से लेकर 23/10/2018 तक, वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in। अब आ जाके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप आवेदन करेंगे। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैंडिडेट्स साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। और जो फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होना है। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स यानी महिला कैंडिडेट्स, एक्सेसमैन और SST कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। साथ ही जो कैंडिडेट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको NOC लगाना होगा जब उनसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा वो कैंडिडेट्स का PST, PET और रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। फेज फर्स्ट जो होगा उसमें होगी आपकी PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7:30 में, 11 फीट की लॉन्ग जंप 3 चांस मिलेंगे और 3.5 फीट की हाई जंप होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रेस करनी होगी 4:45 में, 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी,
और 3 फीट की हाई जंप हो गई। इसके लिए कोई भी अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। प्रेगनेंसी रेस के टाइम पर एक डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी और कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं और एक्सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी पीईटी नहीं देना होगा, लेकिन उनको पीएसटी देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेंडेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन सब देना होगा, लेकिन उनको पीईटी नहीं देना होगा। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, वो हम आपको बता चुके हैं और आपके वो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद होगा, पीईटी पीएसटी के बाद, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। फेज सेकंड होगा आपका रिटन टेस्ट, ये सॉन्को का होगा, ओएमआर सीट पे होगा। और आईटीबी भी अगर चाहे तो इसको सीबीटी भी करा सकती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी इसको करा सकती है। इसका जो पैटर्न होगा इस प्रकार होगा, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और सिंपल रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। हिंदी इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो सेक्शन है वो दोनों भाषाओं में आएंगे। इस प्रकार 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के और 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है जनरल एक्सेसमैन के लिए, एसएसटी ओबीसी के लिए है 33%। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेस पर बनेगी और प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग बनेगी, और कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं बनेगी, यानी वेटिंग लिस्ट कोई भी नहीं बनेगी। फेज थर्ड में आपका आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उनको रीमेडिकल एग्जामिनेशन अगर वो चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं कि जो कैंडिडेट पीईटी पीएसटी के लिए आएंगे वो साफ एक प्रिंटआउट लेके आएंगे, जो आपने फॉर्म भरा है आप उसका प्रिंटआउट निकलवा के रख लें और वो आप लेके आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। साथ ही अगर फीस पे की है तो उसका भी प्रिंटआउट निकलवा के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आएंगे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।